Vigilantless. So I am here today at Park Lane Hotel for iftar buffet, and I'm gonna show you the menu and the ambience of this place. You're definitely gonna love it. I am gonna love it, and I'm so excited to have the food because बहुत यम्मी यम्मी खाना मुझे रोज़ा लग रहा है इस टाइम. एंड आई हैव वोर दिस ड्रेस बाय रिपब्लिक, और ये लास्ट ईयर की कलेक्शन थी उनकी ईद की. सो दिस इज डे 4 ऑफ रमदान. सो यस, सो एक्साइटेड. पाकिस्तानी देसी फूड भी है, बारबेक्यू भी है, चाइनीज भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, और इसके अलावा इटालियन. ओके ठीक है, गाइस मैं आपको डिज़र्ट्स दिखाती हूँ यहाँ पे. तो ये सारा इनका डिज़र्ट्स मेन्यू है. एवरीथिंग लुक्स सो यम्मी, कांट वेट टू हैव दिस. स्पेशली लुक एट दिस केक, अमेजिंग. ओके गाइस, ओके सो आई एम गोना शो यू द सैलेड बार. हियर वी हैव ऑल द सैलेड्स एंड फ्रूट्स एंड क्रोसेंट्स एंड दही भल्ले. लुक सो यम्मी. Wow, this looks so yummy. Next we have beef kebabs. And then we have chicken moti. ओके जी, तो यहाँ पे सबसे जो मज़े की चीज़ थी ना, वो इनका काबली पुलाव था. इट टेस्ट सो 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 गुड, वरना मुझे मोस्टली जगहों पे पसंद नहीं आता, बट बहुत मज़े का था. इनका देसी फूड सारा ही बहुत अच्छा था. चाइनीज़ भी अच्छा था, बट देसी मेरा फेवरेट था, तो मुझे वो बहुत मज़ा आया खाने में. भिंडी, फ्राइड भिंडी थी जो कि मेरी फेवरेट थी, और वेजीज भी थे, और उसके साथ साथ पास्ता था, एंड देन चिकन विंग्स थे, स्टेक्स थी, मंचूरियन था, फ्राइड राइस थे, किंग पाव चिकन था, एंड देन ओके सो हियर वी हैव सूप्स. और बाकी मैंने आपको इनका मेन कोर्स दिखा दिया, वहाँ पे एक और एरिया है जो मैं आपको दिखाती हूँ. ओके सो हियर वी हैव कबाब, स्प्रिंग रोल, समोसाज, एंड लेट्स सी व्हाट इज दिस. वाओ. And here we all set for iftar. और यहाँ पे हम सारे इनवाइटेड थे फातिमा की तरफ से, और सिर्फ गर्ल्स ओनली पार्टी चल रही थी यहाँ पे. तो चलो जी, अब रेडी होते हैं इफ्तार के लिए. अजान बस होने वाली थी, तो मैं ज़रा दुपट्टा सेट कर. तो पाकिस्तान का जो कौमी ड्रिंक है वो है जाम शीरी, तो मैं वो पीते हुए सऊदीया में विमटो पीती थी, और यहाँ पे आके मैंने जाम शीरी पीना स्टार्ट कर दिया. तो जी यहाँ पे मैं अपनी डिज़र्ट्स खाते हुए, एंड देन यहाँ पे मैंने खाना अपना खा लिया था, उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इफ्तार में आपको पता है जल्दी जल्दी खाया जाता है, तो टाइम नहीं मिला था साथ वीडियो बनाने का. तो एंड पे मैंने अपनी ग्रीन टी पी ताकि मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाए, और दैट्स इट. आई लव द इफ्तार बुफेट, बहुत मज़ा आया खाने का. तो यहाँ पे हम सारी लड़कियाँ जो इफ्तार के लिए आई हुई थी, आप देख सकते हैं, माशाल्लाह ऑल आर सो प्रीटी. ओके गाइस, तो जी हमारी इफ्तार हो गई डन. तो अभी मैं जा रही हूँ एम्पोरियम मॉल, थोड़ी सी चीज़ें बाय करनी थी, तो मैंने कहा यहीं से चले जाते हैं, अब निकले हुए हैं. तो जी यहाँ पे हम पहुँच गए एम्पोरियम मॉल. आप यहाँ का डिकोर देखें बस, कितना खूबसूरत हुआ हुआ है. अच्छा, इनका थोड़े टाइम के बाद थीम चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सीज़न. समर की अलग होती है, विंटर की अलग होती है, रमज़ान की अलग होती है, बसंत की अलग होती है, बहार की अलग होती है. तो बहुत मज़े मज़े की डिकोर करते रहते हैं ये. तो अभी जी रमज़ान की चल रही है. तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ फ्लैट्स में. हील्स मैंने उतार दी हैं क्योंकि चलना था, तो मैंने कहा बेहतर है कि फ़्लैट्स पहन ली जाए. ओके जी, तो मैं यहाँ पे बेसिकली अनस्टिच कपड़े लेने के लिए आई हूँ खाड़ी से. तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या बाय करते हैं. वैसे मैं थकी हुई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर चल पाऊँगी, तो देखते हैं, लेट्स सी. तो सबसे पहले हम आए हैं जी यहाँ पे बोरजान पे, और यहाँ पे मेरी मामा ने लेने थे शूज, और उनको शूज बहुत पसंद आते हैं, और यहाँ पे वो 10 जूते ऑलरेडी ट्राई करते हुए और हमें इंप्रेस करते हुए, बट खैर कोई बात नहीं, आई एम यूज्ड टू इट. तो जी यहाँ पे मामा ने 3 जूते तो सिलेक्ट कर लिए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट हुए थे. और यहाँ पे अभी कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी समर की, तो यहाँ पे ये लोग वेट करते हुए अम्मी का कि अम्मी के जूते डिसाइड हो जाएं, तो फिर हम आगे कहीं जाएं.
तो जी देखें जी, फाइनली मेरी मम्मी को जूते पसंद आ गए हैं और हमने जूते ले लिए हुए हैं। ओके सो नाउ वी आर एट एथनिक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कपड़े, लेकिन कुछ पसंद नहीं आ रहा। बच्चों की बहुत प्यारी कलेक्शन आई है, गर्ल्स की स्पेशली। आई लव देयर कलेक्शन। ईद के लिए बहुत प्यारी कलेक्शन। लुक एट दिस फ्रॉक, हाउ कूल इज़ दैट। पेम्पलम से बना हुआ ये, और एक ये वाला जो मुझे बड़ा प्यारा लगा था येलो कलर में, अनरखा स्टाइल में ये बना हुआ है इस तरह करके, और नीचे इसके ये ट्राउज़र और अंदर पिंक कलर का दुपट्टा है। सॉरी, इसके नीचे ये शलवार है और अंदर ये पिंक कलर का दुपट्टा है, और फिर ये वाइट वाला। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी हुई है, और इसके नीचे भी शलवार है और उसके पैंचे पे काम हुआ है सारा इस तरह से काम हुआ। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये वाला क्रीम वाला बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। इसका काम बहुत खूबसूरत हुआ है, और ये इसका ट्राउज़र है अंदर, ये ऑलमोस्ट 5000 की रेंज है। उसके बाद ये देखें कितना प्यारा है, ये देखें जी कितना खूबसूरत है। तो बहुत प्यारी एथनिक पे जो है ना वो ईस्टर्न कलेक्शन बच्चों की आई हुई है। ये कितना कूल लग रहा है, आई रियली लाइक दिस वन। इस पर कॉरल कलर का जो है ना वो कढ़ाई हुई हुई है, ये देखें इस तरह डिटेलिंग हुई है, वेरी नाइस। ओके सो वी आर हेयर एट खाडी नाउ, सो लेट्स सी यहाँ से कुछ पसंद आता है कि नहीं आता। बहुत रश है भाई मार्केट्स में, और अनस्टिच देखने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। अनस्टिच देखते हैं, और वहाँ से आई थी मुझे पसंद आ ही जाएगा, मेरी मम्मी को भी पसंद आ जाएगा, तो डेफिनेटली हम अनस्टिच की तरफ जाएंगे। स्टिच में बड़े रोले हैं भाई, साइज़ नहीं है, ये है वो है, बड़े इश्यूज़ हैं, तो अभी हम अनस्टिच की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, बाय द वे खाडी की ज्वेलरी बहुत खूबसूरत आई हुई है। मैं आपको कुछ एक दो पीसेज हैं जो इनके दिखाती हूँ, जो बड़े कूल किस्म के हैं। आई थिंक यहाँ पे हैं कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने ये खाडी पे देखे थे, बहुत प्यारे प्यारी कलेक्शन आई हुई थी इनकी। ओके जी, फाइनली हमें अनस्टिच कलेक्शन से कपड़े पसंद आ गए हैं, और हमने कर ली है शॉपिंग। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर, यहाँ पे हम बिल करा रहे हैं एंड ऑलमोस्ट। ओके जी, तो अब चलते हैं घर, शॉपिंग हो गई डन, इफ्तार हो गई डन, और आपको मैं कहती हूँ अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।